सबसे पहले आप और मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी, केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश जी मेघवाल, प्रदेश महामंत्री कालीचरण जी सराफ, बीकानेर के सांसद अर्जुन जी मेघवाल और पूर्व मंत्री जी टी सा, विधायक राधेश्याम जी और पूर्व विधायक अशोक जी, लालचंद जी मेघवाल, रामप्रताप जी कासनिया, कुंदन लाल जी मेघवानी, पूर्व विधायक रामदास जी शर्मा, जिला अध्यक्ष और तीनों मंडल के अध्यक्ष विकेश कोटवार और यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता, सभी भाई, सभी बुजुर्ग और सबसे बड़ी बात तीन माताएं बहने जो आज इतनी संख्या में यहाँ आई है, उनका मैं सबका दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा। आप लोगों ने वाकई में इतनी संख्या में आके हम पर सबका बहुत बड़ा स्टैंड किया है। मैं तो कह ही रही हूँ इतने दिन से कि आप लोगों ने बहुत बड़ा प्यार का कर्जा हमारे कंधे के ऊपर डाल दिया है। मैं समझती हूँ कि कितना भी मेहनत करूँगी, सेवा करके भी मैं समझती हूँ कि ये आपके प्यार के कर्जे को पूरी तरह से नहीं उठा पाऊंगा, तो उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिनों के साथ अब आज अनूपगढ़ से होते हुए मैं निकल जाऊंगी और ये तीन दिन के अंदर जो मैंने देखा आपके क्षेत्र के अंदर, उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात आप लोगों के बीच में करना चाहूंगा। सबसे मुसीबत जो मैंने देखी है यहाँ, और वाकई में अगर मैं आंख बंद करके खड़ी हो जाऊं तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये उदयपुर है या कोटा है या अजमेर है या भरतपुर है या बीकानेर संभाग है, क्योंकि आंख बंद करके खड़े हो जाओ तो जो मुसीबत की बात वो करते हैं वो सिर्फ एक से है। अगर वहां पूछोगे तो पानी की मुसीबत, यहां पूछोगे तो जोरदार पानी की मुसीबत, वहां पूछोगे तो बिजली की मुसीबत, यहां पूछोगे तो वही मुसीबत, ऐसे ही आपके रोड की मुसीबत, डॉक्टर की मुसीबत, टीचर की मुसीबत और रोजगार की रोजगार मुसीबत, ये पूरे राजस्थान के अंदर एक ही आवाज गूंज गूंज के निकल रही है। आपके क्षेत्र के अंदर आपको याद होगा मई के महीने में शायद 2007 या 2006 में हम लोगों ने दौरा किया था ये नहरी क्षेत्र का। कौन सा साल? 2007 था। 2007 के मई के महीने में पंजाब से दौरा हम लोगों ने शुरू किया था और पूरे नहरी तंत्र को देखते देखते नीचे नीचे तक हम लोग पहुंचे। इसीलिए था क्योंकि मेरे पास बार बार रिपोर्टिंग आती थी, लोग दुखी होते थे, कहीं धरना फसाद हो रहे थे। मैंने कहा कि जो मेरे पास खबर आ रही है शायद वो सही खबर नहीं आ रही है, अच्छा तो ये होगा कि हम लोग खुद जाके इलाके को देखें, लोगों से बात करें, उनको समझने की कोशिश करें कि वाकई में क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है। इसीलिए चलाकर मैंने वो यात्रा की। 4-5 दिन के अंदर इस नहरी तंत्र को समझने की हम लोगों ने कोशिश की। सबसे पहले मैंने देखा कि जो पानी आ रहा था नहरों के अंदर वो बहुत ही दूषित पानी था। कल मैं राम सिंहपुर से और ये जो आपके रस्ते के गांव है वहां सबसे मैं निकलते हुए आप लोगों के पास आ रही हूँ, तो एक गांव सदारगढ़ के अंदर तो मैंने ये देखा, आंखों से देखा कि पानी तो आ रहा है और सीधे तालाब के अंदर गिर रहा है। और तालाब तो एक ऐसा तालाब है जिसके अंदर जानवर भी आज पानी पी रहा है, जिसमें भैंस भी पी रही है, गाय भी पी रही है, कुत्ता भी पी रहा है और आटे भी पी रहा है। ये स्थिति है आज 65 साल के लोकतंत्र के बाद हमारे आदमी को जानवर जैसे पानी पीना पड़ रहा है। ये कैसी स्थिति है इस राजस्थान के? मैंने वहां जगह पे पूछा तो बताया गया कि आपने ये डिग्गियां बनी तो थी परंतु इन डिग्गियों के अंदर पानी का स्टोरेज नहीं हो रहा है, उसके अंदर मरे हुए कुत्ते पड़े हुए, जानवर पड़े हुए लोटते हैं और वहां अगर थोड़ा सा पानी आगे इकट्ठा हो भी जाता है तो वो पानी हम लोगों को आज पीना पड़ रहा है। आज इस स्थिति में हम लोग, मैं गांव वालों से पूछती हूँ तो सब गांव वाले चिल्लाते हैं कि हम लोगों को इस पानी का कुछ करो। उस समय मुझे याद है कि आप लोगों ने सबसे पहले मुझे ये कहा था कि ये पानी नीचे तक तेल तक नहीं पहुंच रहा है, इसका कुछ करो। सबसे पहले मैंने मोगों का इंतजाम किया था, मैंने ये कह दिया था कि चाहे वो कितना भी अमीर आदमी हो, जितना वो गरीब हो,
ये मोमों का साइज एक सा होना चाहिए और नीचे तक पानी तेल तक पहुंचने की व्यवस्था हम लोगों को करनी चाहिए। तो सबसे पहले वो मोमों को ठीक करने का हम लोगों ने काम किया। उसके बाद मैंने मशीनें खरीदी। सब लोग जानते हैं 20 तो जेसी भी थे, बड़े बड़े बूम थे, इन सब चीजों को हम लोगों ने खरीदा, पैसा डाला उसके अंदर। पर मैंने कहा कि ये सब पूरा ऊपर से नीचे तक नए के अंदर जो सिल्टिंग का काम है, उस सिल्टिंग के काम को, सब गंदगी को हटाने का काम, उस सिल्टिंग को हटाने के लिए हम लोग लगे। और फिर हम लोगों ने पैसा अलग से लगा के जो नहर जहां जर्जर हो रही थी, जिसमें से सीपेज हो रही थी, उस नहर को ठीक करने का काम हम लोगों ने किया। दोनों काम से उसके बाद आगे बढ़ के लोगों ने हमको बताया कि मट्टी के जो ये खाने बने हुए हैं, इन खानों की वजह से हम लोगों को बड़ी मुसीबत है, उसका इंतजाम करिए। तो पक्के खाने बनाने का काम किया और वो पक्के खानों को डिक्कियों से जोड़ने का काम किया और डिक्की को भी महानरेगा के द्वारा हम लोगों ने ठीक करने का काम किया, ताकि डिक्की के अंदर पानी आके इकट्ठा हो जाएगा और वो जो पानी आपका इकट्ठा हो जाएगा फिर आगे खेत के अंदर जा सकता है। इतना तक तो इंतजाम हम लोगों ने किया। अब मैं देख रही हूं, मैं पता कर रही थी, 4.5 साल से ये नहरी तंत्र की पूरा कुप्रबंधन और पूरी तरह से दुर्दशा हो गया। आपके मेट नहीं है, पेलदार नहीं है, गाड़ियां नहीं है, कोई ऊपर से नीचे तक उसको चेकिंग कर नहीं सकता है, पूरी तरह से वहां अव्यवस्था है। और जितना पानी हमको मिलना चाहिए था वो सही तरीके से हमको मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो फिर से मरम्मत खराब चाहती है और मरम्मत नहरों की हो नहीं रही है, इसलिए फिर जलचराती हालत में हमारी नहर पहुंच गई है। पिछले 2 साल से नहरों की मरम्मत के लिए 952 करोड़ रुपया सरकार के पास पड़ा है, लेकिन बार बार इन्होंने बंदी दी, कभी 40 दिन की बंदी, कभी 60 दिन की बंदी, परंतु इन टाइम के अंदर इन्होंने काम ही नहीं किया। और जलचर नहरी तंत्र को अब जहां 18,500 क्यूसेक पानी चलना चाहिए था, वहां मुश्किल से 10,000, 10,500, 11,000 क्यूसेक चलता है, तो कितने लोगों को वंचित करके रखा है वो सोचो। कितना सारा पानी हमारा पाकिस्तान चला जा रहा है क्योंकि हम अपने नहरों में उसको नहीं ले पा रहे हैं। और यहां हमारे कितने किसान बेचारे ऐसे ही बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं बार बार हमको कि हमारे नहरी तंत्र का इंतजाम करके हमको पानी तक पहुंचाने की कोशिश करो, एक तो पीने का पानी हो, दूसरा सिंचाई का पानी हो, जब तक ये पानी हमको सब सही से नहीं मिलेगा तो ये हमारा एरिया जो पूरा इतना अच्छा है, जिसकी इतनी अच्छी पैदावार होती है, तो वैसे की वैसे पड़ा रहे। अब किसान भाइयों से मैं पूछना चाहती हूँ कि ये 4.5 साल इस सरकार ने क्या किया? अगर आपको पानी नहीं मिला इस क्षेत्र के अंदर तो क्यों हम लोगों ने अपनी आवाज नहीं उठाई? क्यों नहीं अभी तक हम लोगों ने उनको ये कह दिया कि 952 करोड़ रुपए अगर वापस जा रहा है तो क्या मतलब है ऐसी सरकार का, जो सरकार जयपुर के अंदर बैठती है हमारे दुख और दर्द के अंदर साझा नहीं हो सकती? ऐसी सरकार को हमें क्या काम, इस सरकार के साथ हम क्या करेंगे? हमें ऐसी सरकार की जरूरत नहीं। अभी अभी मैं 6A के लोगों से बात कर रही थी, 6A के लोगों ने आके मेरे से ये कहा कि आपने हमारे साथ इतना सारा काम किया था, हमने यहां तक कह दिया था कि जितने रुपए देने की जरूरत है पॉम डैम के जो हाउसेस हैं उनको हम देंगे, हिमाचल के वाले लोगों के साथ हमने जोरदार बातें की, पूरी बातें हो गई, बस कागज साइन करने की जरूरत थी, वो लोग आके देख के भी गए, जमीन सब कुछ इंतजाम हो गया था, परंतु आचार संहिता लग गई और मामला वहीं रुक गया। और आज बेचारे पॉम डैम हाउसेस को मैंने जब पूछा मनोहर जी और सबको, तो उन्होंने मेरे को बोला कि जहां आपने हमारा काम छोड़ा था वही हमारा काम छूट गया है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा, सरकार उनकी है, ऊपर उनकी है, हिमाचल भी उनकी है, यहां भी उनकी है, फिर भी ये काम नहीं कर पाए हैं। मैंने आप लोग सबको प्रॉमिस किया था कि इसको हम पूरा करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो एक तो ये पूरे नहरी तंत्र का पूरी तरह से प्रयोग और इस्तेमाल करके तो ठीक करने का काम करेगी। मुझे समझ में आ गया वो 4 दिन के दौरे के बाद कि वो आपकी जीवन की रेखा है, अगर वो जीवन की रेखा को हम जिंदा नहीं रखेंगे तो ये नहरी तंत्र पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। उसको ठीक करने का मैं आपको कहती हूँ, वादा करती हूँ कि हमारी सरकार आएगी सबसे पहले ये काम करने का हम लोग काम करेंगे। और जो 6A वाले हैं, पॉम डैम के लोग अगर यहाँ बैठे हैं, है कोई पॉम डैम के लोग, है कोई अगर पॉम डैम के लोग सुन रहे हैं, तो जहां हम लोगों ने मामला छोड़ा था
उस मामले को हम फिर से आगे ले जाने का काम करेंगे, और भगवान ने अगर दया रखी तो उसको भी हम पूरा करके आप लोगों को छोड़ने का काम ये करके छोड़ेंगे, ताकि आपकी ये व्यवस्था ठीक हो जाए। हाँ चावला जी, करेंगे आपका, इसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं। फिर सब लोगों को कह दिया। इसके बाद मेरे पास लोगों ने आगे व्यवस्था की बात रखी। ग्रेट मर्चेंट एसोसिएशन ने आके मेरे को ये बताया कि हमारी ये बहुत सारी मुसीबतें हैं, उसके ऊपर भी आप लोग ध्यान रखें। मुझे शर्म आती है देखने को कि आपके यहाँ 11 डॉक्टर लगे हुए हैं, लगने चाहिए, उनमें से मुश्किल से 2 डॉक्टर हैं। तो मैं, मुझे समझ में नहीं आता, और महिला डॉक्टर है ही नहीं। अब मैं जो 2.5 महीने से घूम रही हूँ, हर एक जगह पे जाती हूँ, पूछती हूँ कि डॉक्टरों की क्या स्थिति है, कहीं डॉक्टर पर्याप्त जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है, और महिला डॉक्टर तो मेरे को कहीं नहीं मिली। तो मुझे समझ में नहीं आता, तो महिला डॉक्टर गई कहाँ, समझ में नहीं आता। और डॉक्टर नहीं है तो वहां जयपुर के अंदर जो मेरे को पढ़ने को मिलता है कि यहाँ मुफ्त दवाई बढ़ रही है, यहाँ आपको मुफ्त जांच हो रहा है, मैं जाके सब लोगों से पूछती हूँ, तो जब डॉक्टर ही नहीं है तो मुफ्त जांच और मुफ्त दवाई आपको होती कैसी है, मिल रही है क्या आपको, आपको मिल रही है क्या, कहीं मुफ्त जांच हो रहा है, कहीं मुफ्त दवाई मिल रही है। मैंने पता किया तो रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, एनेस्थीसिया वाला भी नहीं है, हड्डी वाला डॉक्टर नहीं है, बच्चा संभालने वाला डॉक्टर नहीं है, और जो आप वाला डॉक्टर था कुछ दिन पहले वो भी चला गया है। तो आपकी तो बिल्कुल यहाँ दुर्दशा अस्पताल की। किसी तरीके से कभी भी कहीं दुर्घटना हो जाती है तो वो लोगों को रिफर करना पड़ता है, और हो सकता है कि वो दमी तोड़ दें अभाव की वजह से। अब फिर अस्पताल, इतना बड़ा अस्पताल कहीं होना उसका क्या मतलब रहा अगर उस अस्पताल को हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं अभी लोगों से पूछ रही थी तो उन्होंने कहा कि अगर चलिए आप और देख लीजिए हमारे मंडी की सड़कों की क्या दुर्दशा है। अरे अनुकर वालों, कल जिस रास्ते से मैं आई हूं, ऐसा रास्ता मैं देखा ही नहीं है इतने दिन बाद। समझ में नहीं आता आप लोग चलते कैसे हो उस रास्ते पे, और मैं तो सूरतगढ़ से आपकी तरफ आ रही हूँ, मुझे लगता है 60-65 किलोमीटर का रास्ता, और मालूम नहीं कितने घंटे हम लोग को लग गए चलते चलते, और इतने बड़े बड़े गड्ढे। और किसी ने मेरे को ये कहा कि अरे आपको तो अभी देखा नहीं है, यहाँ अनूपगढ़ से रायसिंह नगर जाने की कोशिश तो कर लो, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कितना बड़ा है। मैंने कहा मुख्यमंत्री के रूप में मैंने बहुत कुछ देखा, और अभी इस यात्रा के दौरान भी बहुत कुछ देखा, पर मेरे को क्यों मरवाना चाहते हो, मेरे को तो खाली मुझे आपने कह दिया यही बहुत है। इस चीज को मैं ठीक करने की कोशिश करूंगी, हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले इन सब चीजों को देने की करें। आप लोगों को मैं इसके साथ साथ, ये तो आपका नहरी तंत्र, नहरी तंत्र के अंदर रेवेन्यू के भी बहुत सारे मामले थे, जिन रेवेन्यू के मामलों को भी हमें सुलटाना था। इन रेवेन्यू के अफसरों को लेके हम लोगों ने आप लोगों के बीच में दौरा किया था, और जो किसानों को छोटी छोटी बातें ठीक करने की जरूरत थी वो बातों को हम लोग अब ठीक नहीं कर पाए थे, उसका भी मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि वो भी अपन लोग बैठ के यहाँ इस क्षेत्र के अंदर, बीकानेर के अंदर बैठ के इसको सटाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। एक चीज मैंने पता किया, मैं आप जब सूरतगढ़ और इस पूरे इलाके में घूम रही थी तो मैंने पूछा कि आप लोग, क्योंकि नहरी तंत्र है, कोई नहरी तंत्र के अंदर तो नहरी तंत्र का मंत्री भी आता ही होगा, तो मैंने सब लोगों से पूछा कि भैया एक चीज है, मेरे को बता दो कि आपके सिंचाई मंत्री का नाम क्या है। तो मेरे लोगों ने सबने हाथ ऊपर करके कहा सावरलाल जाट। मैंने कहा सावरलाल जाट तो 5 साल पहले की बात है, आप बता दो कौन है। तो बोले अभी हमें नहीं मालूम, मुझे लग रहा है कि वो ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, पर उन्होंने सबने मेरे को बताया कि वाकई में 5 साल से नहरी तंत्र का मंत्री यहाँ आया ही नहीं है। क्या ये सही बात है, आपके क्षेत्र के अंदर घूमा ही नहीं है, तो नहरी तंत्र का मंत्री नहीं आएगा 5 साल के अंदर तो नहरी तंत्र खत्म ही हो जाएगा। ऐसी स्थिति में लाने का काम मैं सरकार करके, क्या उस सरकार को अपन उस कुर्सी पर बैठने नहीं हुआ भाइयों, बैठने देंगे जिसको कार्रवाई नहीं है आपकी, ऐसे लोगों को क्या हम बैठने देंगे। अरे आप तो, मैं बता दूं आपके नहरी तंत्र के बाद मैंने बिजली को संभाला। जब मैंने बिजली के बारे में देखा तो बिजली का तो शहरों के अंदर तो कुछ बिजली आती है, परंतु ज्यादातर इस इलाके के अंदर मैंने देखा कि ढाणियों के अंदर बिजली नहीं है,
कई ढाणी ऐसी है जहां बिजली नहीं है, लोग मरे जा रहे हैं गर्मी, 50 डिग्री गर्मी, और कोई पानी का किसका बिजली का इंतजाम नहीं। माता बहनों ने पता किया कि मैं जब जा रही थी तो 18 से 20 घंटा बिजली मैं घरों के लिए सिंगल फेज लाइन के द्वारा पहली दफा राजस्थान के इतिहास में छोड़ दी गई थी। तो क्या मिल रहा है? तो कोई बोलता है 5 से 6 घंटे, कोई बोलता है 7 से 8 घंटे, कोई बोलता है 9 घंटे, बस यहां तक पहुंचता है और कहता है कि ट्रिपिंग इतनी जोरदार ट्रिपिंग है कि हम उस ट्रिपिंग के मारे ये समझो कि बिजली 5-6 घंटे हमको मिलती। माता बहने मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैंने ये चला के आप लोगों को दी, क्योंकि मैंने कहा कि घर के अंदर बच्चों को पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए वो बिजली की अलग से लाइन होनी चाहिए। और मैं आपको आज भी कह रही हूँ कि इसकी जो व्यवस्था है इसको सही तरीके से आपकी सरकार आती तो बिठाएंगे और 24 घंटे बिजली आपको देने का काम करेंगे। और ये 24 घंटे वो कांग्रेस के 24 घंटे जैसे नहीं होंगे जो उन्होंने वायदे किए अपने घोषणा पत्र के अंदर लिखा है और जो पूरा नहीं किया है। वो एक तो मैं आपसे पता करना चाहूंगा, बिजली की दरें नहीं बढ़ाने की घोषणा बड़ी क्या 7 बार बड़ी है, 24 घंटे घरेलू बिजली देने की घोषणा मिल गई माता में, किसानों को 8 घंटे सस्ती दरों पर निरंतर बिजली मिल गई नहीं मिली, और आपके आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़ा वर्ग के लोगों को वेस्ट लैंड का आवंटन करने की घोषणा मिली किसी को? नहीं मिली ना। और पेट्रोल और डीजल को स्थानीय करों में छूट का वायदा मिली आपको? अब मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हम लोग जितना हल्ला करते हैं उतना वो विचलित होते हैं। 6 महीने 6.5 साल तो पूरी तरह से कुंभकर्ण की नींद सोए, अब 4 महीने बाकी बच रहे हैं तो दौड़ रहे हैं एक दूसरे की जगह में दौड़ दौड़ के। आपको कह रहे हैं आपको किस चीज की चिंता है? अरे साइकिल नहीं है तो पैसा ले लो, अरे आपके लुगड़ी नहीं है तो पैसा ले लो, मैं तो सोचती हूँ कि लैपटॉप नहीं है तो वो भी पैसे ले लो, और मैं ये सोच रही हूँ कि वो कह सकते थे तो ये कह देते कि बिजली नहीं है तो फिर पैसे ले लो, पानी नहीं है तो पैसे ले लो, पर तो यहाँ तो रुकना ही पड़ रहा है इन लोगों को। और इसीलिए सब यात्राएं हो रही है हमारे पीछे पीछे। सोनिया जी आ रही है वहां नागौर में, अरे नागौर का पानी 4.5 साल में उसको मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला तो अभी शिलान्यास कर ले। जो ये आपका सूरत का थर्मल है वो मार्च 2009 के अंदर उसकी परमिशन मिल गई थी, उसको तब शुरू कर देना चाहिए था तो अब तक लोगों को बिजली मिलती। पर तो अब तब तो पैसा लेने की बात थी, प्राइवेट कंपनी को देने की बात थी इतनी बात करके, और आज 3 साल बाद उसका शिलान्यास होने जा रहा है। भाई और बहनों उसका क्या मतलब, क्या मतलब है? और मैं तो ये कह रही हूँ, मैंने सूरतगढ़ के अंदर पूछा था कल, जैसे मैंने आपसे पूछा कि भैया ये लोग क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, तो किसी ने कहा कि सरकार तो यहाँ आई हुई है। तो मैंने कहा आई होगी आपके पानी को देखने के लिए, आपकी बिजली के बारे में समझने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, वो तो सोनिया जी के पानी के इंतजाम के पीछे आए हुए हैं, वो देख रहे हैं कि कैसा क्या इंतजाम उनका कल होगा, और उसके बाद नागौर में जाके वहां उनका इंतजाम कर रहे हैं। वो एक व्यक्ति के इंतजाम के लिए लगे हुए हैं, उनको ये चिंता नहीं है कि 4.5 साल के अंदर बिना पानी और बिजली के हमारा ये पूरा खेत तबाह हो गया, उनको कोई चिंता नहीं है। मैं आप लोगों को ये कहने आई हूँ, देखो भाइयों बहुत सारे काम हम लोगों को कर, ये भी था ये भी सही कह रहे, याद दिलाया हमने क्या अपने रेवेन्यू के अंदर 10 गुना के हजारों किसानों को राहत के लिए अधिसूचना जारी कर दी थी, आप लोगों को याद होगा। ये जिला कलेक्टर ने क्रियान्वयन करना था जो नहीं किया, और ये आते ही सरकार ने उसको भी रोक दिया। ऐसे मैं कह रही हूँ कितने छोटे छोटे काम थे जिनको हम लोगों को पूरा करना था, जिनको खाली एक ऑर्डर से पूरा कर सकते थे, नहीं किया। आज भाई और बहनों में आप लोगों के बीच में सिर्फ इतना ही कहने आया हूँ, स्कूल के अंदर टीचर नहीं है, और यहाँ हम लोग कहते हैं हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। जगह जगह पर मैं गई तो लड़कों ने खड़े होकर मेरे को कहा कि ये गेट का एग्जाम लगा दिया गया है, इसकी वजह से हम लोग जितना पढ़ाई लिखाई करके हमको नौकरी मिलती थी वो हम नहीं कर सकते। मैं सबको बात कहा कि ये परिवार का जो मुखिया होता है उस मुखिया का काम बन जाता है, उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों की नौकरी जिस तरीके से 10 लाख नौकरी हम लोगों ने अपने समय में दी थी, उस तरीके से हम लोग फिर से सब बाधाओं से अलग हटके जाके अपने बच्चों की नौकरी का इंतजाम करेंगे। हम चाहते हैं कि राजस्थान अपना पैर फिर अपने पैरों से खड़े हो जाए, हम चाहते हैं कि एक ऐसा नया राजस्थान बने जिसके अंदर हमारी माताएं बहने
सुरक्षित और अपने इज्जत के साथ कर सके। हम चाहते हैं कि एक ऐसा राजस्थान बने जो हमारे युवाओं को पलायन करने की जरूरत नहीं हो, जो अपने घर और अपने घर के आसपास और राजस्थान में रहकर उनको नौकरी मिले ताकि वो अपने घर बार को संभाल सके। हम चाहते हैं कि ऐसे मजबूत हमारे किसान बन जाए जिनको सही टाइम पे पानी, सही टाइम पे बीज, सही टाइम पे खाद, सही टाइम पे बिजली और सही किस्म का कि दाम जब वो अपने फसल को लेके जाते हैं बाजार के अंदर उनको मिले। ऐसी स्थिति हम लोग अपने किसानों का खड़ा करके मजबूत करना चाहते हैं। मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूँ, इतनी जोरदार महंगाई हो गई है, डीएपी जो हमारे टाइम में 485 रुपए का बैग था आज कितना हो गया, कितना हो गया, 1300 हो गया है। और जो यूरिया हमारे टाइम में 280 था आज कितना हो गया है। और पेट्रोल अभी दो दिन पहले 2 रुपए लीटर से बढ़ गया है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग इतना हल्ला कर रहे हैं अभी जो बारात रहे ना सबके बीच में, मुझे तो विश्वास है सूरज गढ़वालों को बोला कि चेक पट्टे की चिंता मत करना, जो किसानों को मिलना चाहिए था और नहीं मिला, ये आएंगे बांटेंगे, जब मार के बांटेंगे। 1,50,000 जो ऋण देना था बिना ब्याज का, या किसी किसान को मिला, किसी किसान को मिला, नहीं मिला, मेरे घर चिंता मत करना, चुनाव का टाइम आ रहा है, ये सब चीजें उठा लेना, इसकी चिंता मत करना। मैं गए गंगानगर, तो गंगानगर में एक दिन पहले मेडिकल कॉलेज की घोषणा, अरे 9 महीने से चल रहा है अभी तक क्यों नहीं कर पाए, उनको लगा कि ये आ रही है जल्दी से कर दो, इसका श्रेय को नहीं जाए, मुझे श्रेय को लेना है। मैं बार बार कहती हूँ कि मेरे को चुनाव के ऊपर झूठ बोल के कभी किसी का वोट नहीं चाहिए। हम लोग काम करने के लिए यहाँ खड़े हैं, सेवा करने के लिए खड़े हैं, झूठ बोलने के लिए नहीं, क्योंकि झूठ तो कुछ ही दिनों के अंदर ही खत्म हो जाता है, जनता को सबको मालूम पड़ जाता है कि क्या हो रहा है। इसीलिए ये सब बातें, चाहे वो मैं, किसी ने मेरे को ये भी कहा कि अगर ज्यादा ही प्रेस करेंगे तो क्या मालूम बिजली के बाहर दाम भी घटा देंगे, ये भी हो सकता है। और आप लोगों के बीच में आएंगे तो बहुत सारी बातें कहेंगे, बहुत लोग कह रहे हैं अरे आप बताओ क्या चाहिए, हम आपको देने को तैयार हैं। एक तो उधर करो, और ये तो उनसे कहो, उनसे कहो जिनका राज, हमारे पास तो इनके कोई मतलब नहीं है, हमारी सरकार आएगी तो ये सब बातों को देखा जाएगा, परंतु उसके पहले तो मैं कुछ नहीं कह सकती। और ना मैं इलेक्शन के लिए कहूंगे कि जिला बनाऊंगी तो आपका वोट मुझे मिलेगा, ना, इसके बाद देखा जाएगा। बैठेंगे, बात करेंगे, समझेंगे, आप लोगों के साथ बैठेंगे तभी हमारी बातें आगे बढ़ेंगी। मैंने हमेशा ये कहा कि समझने के बिना मेरे से हाँ मत करवाओ, आपको ही मुसीबत हो जाएगी। हाँ तो करवाना है, और आने वाले समय के अंदर ये 4-4.5 महीने के अंदर ये चुनाव का टाइम है, मैं तो कह रही हूँ कि दे रहे पैसे ले लो, ये सब अपना ही पैसा है, क्योंकि अगर आप नहीं लोगे तो ये इनके जेब में जाएगा और वो जाएगा सीधे, वो काला धन जहाँ जमा हो रहा है स्विट्जरलैंड में सीधे जाके वहीं जमा होगा, बैंक अकाउंट किसी के हैं वहाँ और किसी के नहीं है। उंगली हमारी तरफ करते हैं और 3 उंगली उनकी तरफ भी, जब ऐसा करते हैं 3 उंगली अपनी तरफ भी जाती है। इसको चीज को याद रखने की जरूरत है कि सोनिया गांधी और सब लोगों को ये बहुत जरूरी है पता करने को कि इन्होंने जो नाश किया है इस राजस्थान का, वो राजस्थान इसको कभी भूल नहीं पाएगा। भी मुझे बताओ, देश का दामाद आया बीकानेर के अंदर और आपके क्षेत्र के अंदर 10,000 बीघा अशोक गहलोत ने उसको दिए और सस्ते दाम पे दिए, और कायदे दिए आपको सबको मालूम है कि ये सस्ते दाम पे दिया नहीं जा सकता, खाली अगर इसके ऊपर कोई पब्लिक यूज के ऊपर कोई कुछ कर रहा है या फैक्ट्री लगा रहा है कुछ कर रहा है तो उसके लिए आप सस्ते दाम में दे सकते हो। सब रूल को तोड़ के इस व्यक्ति को 10,000 बीघा जमीन दे दी गई, जबकि हमारा किसान रो के कह रहा है कि हमें 1 या 2 बीघा दे दो, उसको तो हम 1 और 2 बीघा देने को तैयार नहीं है, परंतु देश का दामाद जब यहाँ आता है तो उसके लिए तो चार सब कुछ जो भी सरकार दे सकती है वो देने को तैयार है। 10,000 बीघा आप में से कोई खरीद सकता है और ये दाम पे खरीद सकता है, इसे सस्ती दाम पे खरीदी और महंगी दाम पे बेच के पूरा का पूरा पैसा लेके वहां जाके जमा कर दिया। अरे पूरा भ्रष्टाचार, इसमें कोई कमी नहीं है, जनता का कोई पूछने वाला नहीं है। बस भाइयों, मैं तो ये कह रही हूं कि अपने को सबको मिलकर एक नया राजस्थान बनाना है, एक ऐसा राजस्थान बनाना है जिसके अंदर जो 65 साल का हमारा लोकतंत्र है वो दिखे, ऐसा राजस्थान बनाना है जिसके अंदर राजस्थान समृद्ध हो, स्वाभिमान उसका रहे, उसकी इज्जत हो, और खुशहाल करके ऐसे विकास के रास्ते पे हम लोगों को चलना है कि बाहर के लोग राजस्थान को आगे छूने की कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ चलो, अब
अगर देश के अंदर कोई जगह है तो वो है राजस्थान। जिस तरीके से पहले आते थे वैसे फिर आएंगे। ये परिस्थिति बनाने की तैयारी है क्या? है। अगर आप लोग सब चाहते हो कि ऐसी तैयारी हो, अगर आप लोग सब चाहते हो कि इन दुष्टों को हम लोग अलग करें ताकि हम लोग 36 के 36 कौम और सब मतलब एक साथ मिलकर एक परिवार के रूप में इस राजस्थान को फिर से विकसित बनाए, अगर आप ये चाहते हो तो एक जोरदार नारा मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके और यह याद दिला दो, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार नारा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, एक जोरदार नारा राजस्थान के लिए, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देके बहुत सारा माताएं बहने आप लोगों को प्यार।